हरिओम। व्यक्ति आज पैसे की तरफ बहुत ध्यान देता है, बस पैसा कमा लो, कैसे भी करके पैसा इकट्ठा कर लो। तो पैसा इकट्ठा कर लूं तो फिर क्या होगा? नहीं, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। पैसे से प्रसन्नता नहीं आती, बल्कि प्रसन्नता से पैसा आ जाता है। हम पैसा कमाने की दौड़ में कई बार अपनी प्रसन्नता को, अपने उत्साह को, अपनी खुशी को, अपने स्वास्थ्य को भूल जाते हैं। पैसा तो आ जाता है, प्रसन्नता कहीं खो जाती है, मानसिक स्वास्थ्य कहीं खो जाता है। क्योंकि पैसा कमाने के लिए जैसे एक साइकिल है, साइकिल को आप पैंडल मारते जाओ, वो दौड़ती जाएगी, दौड़ती जाएगी। अब पैंडल मारना बंद कर दो, साइकिल फिर भी दौड़ती चली जाएगी। तो पैसा कमाने की होड़ में हमने जो तनाव लिया था, हमने जो दुख लिया था, हमने जो भय लिया था, पैसा तो आ गया, लेकिन वो जो स्वभाव बन गया, वो जो आदत बन गई, उस आदत का क्या कीजिएगा? बाद में आप कहें कि पैसा आ जाने के बाद हम अपनी प्रसन्नता को बेहतर कर सके, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो आपने कुछ स्वभाव बना लिया है, वो तो वैसे ही रहेगा। हाँ, पैसे कमाने के साथ साथ यदि प्रसन्नता को पकड़ कर रखेंगे, स्वास्थ्य को पकड़ कर रखेंगे, तो वो महत्वपूर्ण होगा। स्वास्थ्य को और प्रसन्नता को छोड़कर पैसे की तरफ नहीं दौड़ना है, बल्कि पैसे के साथ साथ स्वास्थ्य और प्रसन्नता की तरफ ध्यान देना है। अक्सर हमें लगता है कि नहीं नहीं, हम सीरियस होंगे तो हम पैसा कमा सकते हैं, हम रात देर तक जागेंगे, सुबह जल्दी उठकर हम काम पे लग जाएंगे, हम 16 घंटे काम करेंगे, हम 18 घंटे काम करेंगे तो पैसा आएगा। आ जाएगा, आ ही जाता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो खो जाता है। वो खोता है जो लौट के नहीं आता। स्वास्थ्य खो जाता है, लौट के नहीं आता। अच्छा स्वभाव खो जाता है, लौट के नहीं आता। अच्छी आदतें खो जाती हैं, फिर वो लौट के नहीं आती। इसलिए पैसा जरूरी है, कमाना चाहिए, खूब कमाओ, लेकिन पैसे के साथ साथ ध्यान रखो कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। पैसा आ भी गया, स्वास्थ्य अच्छा ना हुआ तो उस पैसे का क्या कीजिएगा? पैसा आ भी गया, आपकी प्रसन्नता ही खो गई, उस पैसे का क्या कीजिएगा? तो इसलिए ध्यान दो, पैसा भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, प्रसन्नता यानी कि मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। तीनों का ध्यान रखना है। हरिओम।